को चूना लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ये चाह रही थी कि हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस के जरिए अपने एम्प्लाइज की पूरी हाजिरी जो है अपने अपने महकमों के अंदर लेंगे, लेकिन सरकार को क्या मालूम था कि वो मुलाजिम हमसे भी तेज़ निकल जाएंगे। उनके पास ऑलरेडी किस तरह से इस तरह का दिमाग आया कि सरकार को पता ही ना चले कि हम लोग काम पे गए हैं और घर में एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा वाकया पेश आया है ज़िला रामबन में, और जो डिप्टी कमिश्नर रामबन मुसर्रतुल इस्लाम है, उन्होंने एक शिकंजा कसा है और करीब करीब 430 ऐसे मुलाजमीन हैं जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के अंदर गड़बड़ी कर रहे थे, यानी वो स्कूल जाते ही नहीं थे, वो अपने अपने महकमों में अंदर जाते ही नहीं थे, वो बाकी डिपार्टमेंट्स में जाते ही नहीं थे, और किस तरह से वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस अपने घर से लगा रहे थे। बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात करें, इस चीज़ के लिए जिन वीडियोज़ को रखा गया था, किस तरह से उन लोगों तक ये एहसास पहुँचा, किस तरह से मुलाजमीन के पास वो कोड पहुँचे जिससे उन्होंने अपने मोबाइल के ज़रिए अपने घर में बैठ कर के जो है वो अटेंडेंस लगा दी। और इन 430 में से सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो 300 प्लस की वो स्कूल टीचर्स की है, यानी जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो ये कहते हैं कि हम स्कूल में हैं लेकिन वो होते घर में थे, और सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं में इन्हीं की है। और उसके अलावा और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है, फिशरीज़ का है, एग्रीकल्चर का है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर का है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, और भी चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर इंक्लूडिंग सब डिविजन रामबन गोल, और भी कई सारे महकमे हैं जिसके अंदर ये लोग काम तो कर रहे थे, गवर्नमेंट मुलाजमीन काम कर रहे थे, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस के हवाले से बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रही थी। लेकिन चूंकि अब इस पर एक्शन लिया गया है, मुसर्रतुल इस्लाम जो कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सहते हैं, एक दबंग डीसी के तौर पर वो जो है काम कर रहे हैं, कोई भी वायलेशन को जो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है, और इस तरह उन्होंने एक कड़ा फैसला भी लिया है, फिलहाल इन मुलाजमों के ऊपर कार्रवाई भी शायद बहुत जल्द की जाएगी, इनकी सैलरियां भी जो है वो रोक दी जाएगी, और ऐसा भी है कि शायद आने वाले दिनों में इनकी इंक्रीमेंट भी जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो भी रोक दी जाएगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो DDOs हैं, जो कंसर्न DDOs हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखे, लेकिन उन्होंने किस तरह से अपना लैपटॉप या अपना एसेस जो है वो इन मुलाजिमों को दिया हुआ था, और वही मुलाजिम जो है वो घर पर बैठे बैठे अटेंडेंस लगा रहे थे और सरकार के ख़जाने से सैलरी लेते थे, लेकिन लेते कहाँ थे, घर में बैठ के। सबसे ज़्यादा इसमें स्कूल टीचर्स का हाथ है, सबसे ज़्यादा जो है वो स्कूल के महकमा के ही जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ही, क्योंकि पहले भी कई बार जब इस पर चर्चाएं हुए, पहले भी जब कई बार इस पर सवाल उठे तो कई सारे टीचर्स ने कहा कि आप जो है बदनाम कर रहे हैं, जबकि टीचर जो है वो सबसे ज़्यादा ड्यूटी देते हैं, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, लेकिन उसमें सभी टीचर्स के लिए हमने नहीं कहा था, यहाँ पर भी हमने सभी टीचर्स को नहीं कह रहे, बल्कि वही 390 या 300 प्लस जो टीचर्स हैं जिन्होंने ये सब काम किया है उन्हीं का नाम आ रहा है, सभी टीचर्स का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। इस तरह भी शायद आने वाले दिनों में इसके ऊपर और भी जो है वो मज़ीद कार्रवाइयाँ होने को देखने को मिलेंगी, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो NIC के द्वारा जो है वो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के जरिए डिप्टी कमिश्नर रामबन तक पहुंचाई गई, जहां उन्होंने फिर इस चीज़ को बड़ा अच्छे से लिया और इस पर समझा कि और काम करने की जब कोशिश की तो पाया गया कि 430 ऐसे मुलाजमीन हैं जो घर में बैठ करके गवर्नमेंट की सैलरी लेते हैं और वहाँ से बैठ के वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस देते हैं, और इसी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के चलते कितना कुछ जोर जो दिया जा रहा है, कितना शोर उठाया जाता है कि आप तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के ज़रिए गवर्नमेंट मुलाजमों से काम करवा रहे हैं, एक काम जो है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो हो रहा है, बड़े निज़ाम में जो शफाफियत लाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो पानी फेर दिया जाता है सरकार की, जो भी उन्होंने पॉलिसी लाई होती है। लेकिन जो अभी ये एक्शन हुआ है, जो ये कार्रवाई अमल में लाई गई है, अब देखने वाली बात यह है कि इसके ऊपर और मज़ीद क्या कार्रवाई हो सकती है। आप इस सब चीज़ों के लिए और भी हम मज़ीद अपडेट आप तक पहुँचाएँगे, उसके लिए आप बने रहे न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।